अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 अदद अंडों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम जर्दी अलग कर देंगे और सफ़ेदी अलग कर देंगे। अब ये देखें, सफ़ेदी हमने अलग कर दी है बाउल में और जर्दी अलग कर दी है। अब सफ़ेदी को हमने इतनी देर बीट करना है कि ये अच्छे से क्रीमी फॉर्म में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी जो है अंडे की सफ़ेदियाँ कितनी अच्छे से बीट हो गई। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। अभी इन 3 जर्दियों के अंदर हम 1 कप मैया करके चीनी पाउडर डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। थोड़ा सा बीट करेंगे, ज़्यादा बीट नहीं करना वरना अंडे की जर्दी टूट जाती हैं। बस हमें जर्दियों को सिर्फ इतना ही बीट करना। अब इसके अंदर जाएगा छाना हुआ मैदा 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, वनीला पाउडर 1 टीस्पून। अगर वनीला पाउडर नहीं है तो वनीला एसेंस भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं। कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, ऑयल 1/4 कप, दूध 1/3 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन सब अज़ा को हल्के हाथ से फोल्ड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से करना। अब ये जो हमने सफ़ेदी जो है बीट करके रखी थी, इसमें से थोड़ी सी बस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हल्के हाथ से हमें ऐसे मिक्स कर लेना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने ये जो सफ़ेदी वाला था बैटर, इसके अंदर सारा हमने डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने सफ़ेदी के अंदर इसको अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन बहुत हल्के हाथ से। केक का बैटर हमारा रेडी हो गया। देखिए इसमें कोई लम्स नहीं, कितना स्मूथ बना है। तो अब इसको हम एक मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए मैंने एक 9 इंच का मोल्ड लिया है और उसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके तो बटर पेपर लगा लिया है। ये सारा हम इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक का बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है 9 इंच के मोल्ड में। अगर आप अपने केक को ज़्यादा हाइट देना चाहते हैं तो आप इसको 6 इंच के मोल्ड में भी डाल सकते हैं। अब हम इसको एक दफ़ा ऐसे टैप करेंगे ताकि जितने एक्स्ट्रा बबल हैं वो ऊपर आ जाएँ। तो अब हम इसको विदाउट ओवन बना रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे अपने पतीले को प्रीहीट कर लेना है। जैसे हमारा पतीला प्रीहीट हो जाते हैं हम अपने मोल्ड को उसके अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए 15 मिनट हो गए, हमने अपने पतीले को प्रीहीट कर लिया है। तो मैंने एक नीचे जाली स्टैंड रख के मोल्ड इसके अंदर रख दिया, उसको हम कवर कर देंगे। अब हमने अपने केक को मीडियम लो आँच पर 20 से 25 मिनट के लिए पका लेना है। तो आपने लो आंच बिल्कुल नहीं रखनी, दम की आंच नहीं रखनी है, दम की आंच से थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है। तो आपने 25 मिनट बाद चेक कर लेना, अगर केक नहीं बेक हुआ तो आप इसको 10 मिनट और रख लें, इंशाल्लाह केक बहुत अच्छा बेक हो जाएगा। देखिए टाइम हमारा हो गया केक को चेक करने का, हम केक चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए केक हमारा माशाल्लाह कितना अच्छा बेक हुआ है। और इस तरह से आपने कोई भी वुडन स्टिक डाल के देखना है, तो ये देखिए बिल्कुल साफ आई थी, इसका मतलब है केक हमारा परफेक्टली बेक हो गया है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए एक साइड पे रखेंगे। केक हमारा ठंडा होने के लिए रख लिया है, तो तब तक हम इसकी क्रीम रेडी कर लेते हैं। क्रीम के लिए हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम 1 कप, ये जाएगा और 1/2 कप जाएगा। तो अगर इसको हम व्हिप करेंगे हार्ड पीक पे, हम इसको व्हिप करेंगे। तो मैंने अपनी डिटेल से बताई हूँ एक वीडियो में कैसे आपने क्रीम को व्हिप करना है, तो आप वो देख सकते हैं। चलिए हम इसको हार्ड पीक पे व्हिप कर लेते हैं। ये देखिए ये भी हार्ड नहीं हुई, अभी ये थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन पहले से थोड़ी सी हार्ड होना शुरू हो गई। देखिए मैं अभी उठा रही हूँ, नीचे गिर रही है। तो ये मैं अभी मीठी यूज़ कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम। तो अगर आप मीठी नहीं यूज़ कर रहे, अगर उसमें शुगर नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, इस स्टेज पे आपने 4 टेबलस्पून शुगर पाउडर डाल देना है। तो चले जब इसको मज़ीद और बीट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह क्रीम हमारी बहुत अच्छी व्हिप हो गई है और ये हार्ड पीक पे हो गई है। अब मैं इसको एक साइड पर रखती हूँ और ये देखें, ये मैं इसको उल्टा किया और ये बिल्कुल नहीं गिरी। ये देख, इसका मतलब है हमारी जो क्रीम है बहुत अच्छे से व्हिप हो गई है।
अब इसके अंदर ये मैं थोड़ी सी चॉकलेट सॉस डालूंगी। तो ये चॉकलेट सॉस मैंने कैसे बनाई है इसकी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उस पर देख लें, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत मज़ेदार घर में ही बन जाएगी चॉकलेट सॉस। और इसमें तकरीबन हम 4 टेबलस्पून डाल देंगे चॉकलेट सॉस, ज़्यादा नहीं डालनी, बस थोड़ी सी डालनी है टेस्ट देने के लिए क्रीम में, बस। बाकी हम एक साइड पे रख लेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको व्हिप कर लेंगे। देखें क्रीम हमारी चॉकलेट सॉस वाली बहुत अच्छे से रेडी हो गई, व्हिप हो गई। अब हम इसको एक साइड पे कर लेते हैं। अब केक का तीसरा स्टेप करते हैं। अब केक को सॉफ्ट करने के लिए, सॉफ्ट रखने के लिए हमने तकरीबन 1/2 कप दूध लिया है और इसके अंदर हमने डालनी है चॉकलेट सॉस। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे तरह एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। इसको मिक्स करेंगे, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको एक साइड पे रख लेते हैं। सब चीज़ें माशाल्लाह हमारी केक की रेडी हो गई हैं। अब हम केक को असेंबलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी क्रीम लेंगे, अपने बोर्ड पे लगाएंगे और इसके ऊपर हम केक का एक स्लाइस रखेंगे। अब इसके ऊपर हम ये जो हमने दूध के अंदर चॉकलेट सॉस डाली थी, इससे हम अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे ताकि हमारा केक जो अच्छे से सॉफ्ट बने। दूध से अच्छे से हमने इसको सॉफ्ट कर लिया है, इस पर लगा लिया। अब इस पर हम क्रीम लगाएंगे। क्रीम आप अपने मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको क्रीम को अच्छे से फैला देंगे। क्रीम हमने अच्छे से लगा दी है, तो जो हमने सॉस तैयार की थी चॉकलेट सॉस, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं कम ज़्यादा। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम चॉकलेट चिप डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब हम इसके ऊपर केक का दूसरा स्लाइस रखेंगे। देखें केक का हमने स्लाइस रख दिया है, तो अब हम इसको फिर से दूध के साथ अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे ताकि हमारा केक सॉफ्ट बने। ये दूध से देखें हमने अच्छे से इसको सॉफ्ट कर दिया है। अब हम इस पर क्रीम लगाएंगे। अब हम केक के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी मर्जी के मुताबिक छोटे बड़े आप बना सकते हैं फूल। फूल हमने बना दिए हैं, तो अब हम सॉस इसके ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉकलेट हमने केक के ऊपर डाल दी है। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट चिप डालेंगे, जितने आपको पसंद हो आप उतने डाल सकते हैं। देखिए केक माशाल्लाह बनके हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इतना सॉफ्ट माशाल्लाह केक है। जब ये बन जाए तो आप इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में लास्ट में रखें। ये देखें अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं। ये मैं आपको इसका एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितना अच्छा केक हमारा बेक हुआ है और कितना ये सॉफ्ट है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।